रेलवे स्टेशन को वैसे तो पैसेंजर हॉल्टिंग स्टेशन का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यात्री सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। रोजाना हजारों यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं, इसलिए इसके दर्जे में सुधार बेहद जरूरी हो गया है। यहाँ यात्रियों के लिए ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय है और यात्री प्रतीक्षालय। प्लेटफॉर्म भी नीचा होने की वजह से चढ़ने और उतरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोचमी गांव के कोकोजाइल पार्क स्थापित होने से मगरमच्छ देखने के लिए हजारों लोग रोजाना कोटमी स्टेशन पहुंचते हैं और उन्हें कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। गांव बड़ा होने से भी प्रतिदिन दैनिक यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। क्या सुविधा हो रही है आपको? यहाँ कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए पानी तक नहीं, सुविधा का नाम भी कुछ नहीं है। वो आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत नीचे है, उतरने में परेशानी होती है ना। न प्रतीक्षालय है, कुछ नहीं है, क्या चीज है, न शौचालय है, कुछ नहीं। हजारों यात्री उतरते चढ़ते हैं, उनकी असुविधा होती है यहाँ पानी की, पेयजल में सुविधा यहाँ कुछ प्रकार की कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ पर ओवर ब्रिज है सर, न यहाँ पर प्लेटफॉर्म ठीक है, यहाँ पर गाड़ी की कोई वैली व्यवस्था है न, ना यहाँ पर गाड़ी कितना समय हमारा कोई टिकट कोई काउंटर कुछ चेक यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। डिंडोरी जिले के अमरपुर, समनापुर और कोतवाली क्षेत्रों में खुलेआम